बीडीसी मेंबर्स, सरपंचस, आवाज आ रहे हैं उधर? सर सर आ रही है। और पंचस, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और जो भी इधर ऑफिसर्स आए हुए हैं, और ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स, व्यापार मंडल, सुमो एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, औकाफ कमेटी, और हमारा प्यारा करालपुरा लोग, और जो भी इधर आया अपना प्यार दिखाने के लिए, सबको सलाम अलैकुम, आदाब, नमस्ते। आज बहुत खुशी का दिन है, क्यों है? मेरा ये 7वां साल चल रहा है कश्मीर में, जेके पुलिस में। इतना बड़ा पीसीपीसी मीटिंग मैं कभी नहीं देखा, इतना बड़ा पब्लिक मीटिंग। तो इससे पहले मैं मुबारक देना चाहता हूं एसएचओ को, डीएसपी को। क्यों? जब पुलिस बुलाने में इतना लोग आ रहे, मतलब ये पुलिस का कामयाबी है। ये हर जगह ऐसे नहीं होते, सो यही दिखाते लोग कितना प्यार करते पुलिस को। थैंक यू। पहले अपना आपके बारे में मैं बता दूंगा। मेरा नाम संदीप चक्रवर्ती है, मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, अलॉटेड टू जम्मू कश्मीर कैडर। मेरा कर्मभूमि है जम्मू कश्मीर। मेरा जन्मभूमि हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश का, लेकिन कर्मभूमि बन गया जम्मू कश्मीर। मैं ग्रेजुएशन में डॉक्टर ही बोलता हूँ हर वक्त। तो इसके बाद मैं आईपीएस में आ गया। मैं पूंछ में काम किया, उड़ी में, सोपुर में, बारामुल्ला, श्रीनगर, इसके बाद हंदवाड़ा, आज कुपवाड़ा आ गया। सो नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा के बगैर हर जगह काम कर चुका हूँ। जब हमारा ट्रांसफर हो गया 2 हफ्ते पहले, मैं बहुत खुश हो गया। क्यों है? कश्मीर में सबसे शांति इलाका कुपवाड़ा है, अमन को प्यार करने वाला कुपवाड़ा लोग है। क्यों है? यही डीडी सिलेक्शन हुआ 2 महीने पहले, उधर ही दिखाया आप, इधर डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को, गवर्नमेंट को आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आपको पता कुपवाड़ा में कितना वोटिंग होता है इलेक्शंस में। तो यही दिखाते हैं लोगों का सोच क्या है। हर वक्त कुपवाड़ा लोग अमन के साथ ही है। क्यों है? आप सबको जानते हैं, हमारा डीजीपी सर दिलबाग सिंह सर इधर ही प्रोबेशन पर किया कुपवाड़ा में। उस वक्त हंदवाड़ा नहीं था, हंदवाड़ा भी कुपवाड़ा में हिस्सा था, अभी भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में है हंदवाड़ा, लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया। उस वक्त हंदवाड़ा भी कुपवाड़ा में था। हमारा डीजीपी सर हंदवाड़ा थाने में एसएचओ शिफ्ट किया 88-89 में। सो जब भी डीजीपी सर बात करते हमसे, पहला सवाल पूछते कुपवाड़ा के बारे में, कुपवाड़ा लोग कैसे हैं, क्यों है। शुरुआत इधर से हुआ हमारे डीजी सर का। जब पिछले साल हंदवाड़ा आया, एक बार डी सर सीधा बोला, यार मैं इधर एसएचओ था, और जब लोग आया इनको इनसे बात करने के लिए, सर सीधा बोला, देखो यार आप एसएचओ बन गए डीजीपी, और हमारा आईजी कश्मीर भी है विजय कुमार सर, इधर एसएसपी था, आप सबको जानते। सो जब भी हमारा पोस्टिंग होते कुपवाड़ा में, बहुत खुश होते हैं। क्यों? इधर से करियर बनते, इधर से एक इंसान ग्रेट ऑफिसर बनते। ये सारे चीज की वजह है आप ही है, ये लोगों की वजह से हुआ ऐसा। क्यों? हम लोग से सीखते ना, और आपकी सेवा करने से इंसान ऊपर तक पहुंचाएगा जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए आपको मैं पहले शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, इतना प्यार दिखाते आप ऑफिसर्स में, हमको भी मौका देते आपको सेवा करने में। थैंक यू। नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी फिनिश करूंगा स्पीच को। बुलेट पॉइंट ही बता दूंगा, मेरा ये 3रा हफ्ता है। मैं एक ही आपको वादा करता हूँ, 24 घंटा हर चौकी, हर पुलिस स्टेशन, हर डीएसपी ऑफिस, हर मेरा ऑफिस भी 24 घंटा दरवाजा आपके लिए खुला है। मेरा पर्सनल नंबर लीजिए आप, जब भी कोई समस्या, रात 2 बजे 1 बजे भी फोन करिए, हम उठते हैं, आपका फोन रिसीव करते हैं, आपका समस्या तुरंत बोलिए, सर हमारा गांव में यही हो रहा है, हमारा समस्या यही है। टाइम की बात है, 24 घंटा आपके लिए है। क्यों? हम आपका सर्वेंट हैं,
हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं उनको. सो अल्टीमेटली हम लोगों का सर्वेंट्स है. और ऐसे हम एक रिवाज बनूंगा, मना दूंगा मैं भी, हर थाने में कम से कम 2 पब्लिक मीटिंग करा दूंगा हर महीने. सो एक हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिलते हैं आपसे बात करने का. क्यों? बात करने से आपको मिलने से पता चलते ग्राउंड में क्या हो रहा है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, नो मीटिंग के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं. आप मेरा ऑफिस भी आ सकते कभी भी. मैं बोल रहा हूँ 24 घंटा खुला है ऑफिस में, नहीं तो फोन करिए, पर्सनल नंबर रखिए आप, व्हाट्सएप में टच में रहेंगे, आप बोलते रहो. और जो भी है राइट फ्रॉम SPO टू डिस्ट्रिक्ट SP, मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारी पुलिस की तरफ से कोई समस्या नहीं होगा. हम नया समस्या क्रिएट नहीं करेंगे पुलिस तरफ से. हम इधर बैठा आपका समस्या को इलाज करने के लिए, ठीक करने के लिए. हम एक नया समस्या नहीं बनेंगे. जो हुआ करप्शन हो जो भी है, बिल्कुल नो करप्शन विल बी देयर. मैं उनका कैप्टन की जगह से बोल रहा हूँ. सारे इधर हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदारी है. और जो भी आपको कंप्लेंट होती है, सर ये बंदा ये लिया वो लिया, आज से नहीं होगा. वो भी 1% 0.5% होते, 90% ईमानदारी और 30%. सो ये प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ, हमारा सर्विस में कोई कमजोरी नहीं होते. 100% हम 100% इससे ऊपर भी आपको हम खुशी करने के लिए, आपको समस्या ठीक करने के लिए हम कोशिश करते हैं. यही वादा कर सकता हूँ मैं. और जो भी स्पीकर बात किया, एक ही मेन समस्या बोला, सर इधर ड्रग्स का बहुत चल रहा है. सच है, नॉर्थ कश्मीर में स्पेशली हंदवाड़ा सोपुर कुपवाड़ा में बारामूला में ड्रग्स का समस्या क्यों है, LCP शेयर कर रहे हैं. आपको पता है पाकिस्तान क्या क्या कर रहे हैं इधर वैली को स्पॉइल करने के लिए. ड्रग्स भेज रहे, वेपन्स भेज रहे, बच्चों को गलत रास्ते में दिखाना, ये सारे सारे पाकिस्तान कर रहे हैं. हमें ये नहीं करने देंगे. मेन हमारा टारगेट होगा इधर ड्रग्स के खिलाफ लड़ना, जंग करना. तो इसके लिए आपका कोऑपरेशन भी चाहिए, सिर्फ एक पुलिस से नहीं होते. क्यों है, जो भी हो जंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हो ये टीम वर्क है. फॉर एग्जाम्पल हम ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ना, सिर्फ पुलिस से नहीं होते. आपको पता इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्वड है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले सबसे ज़्यादा हिस्सा है आपका है. आप ही बताएं आपका मोहल्ला में कौन ड्रग्स बेच रहे हैं. आपको कोऑपरेशन होता हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं. सो यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम 100% देंगे ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स को क्लीन करने के लिए, ड्रग्स से क्लीन करने के लिए इधर कुपवाड़ा से. सिर्फ आपका कोऑपरेशन है इसमें, जो भी कोऑपरेशन मतलब देखिए कवर देना हमको बस अनॉनिमसली. सर इस मोहल्ले में ये हो रहा है, इस गांव में ये हो रहा है, इस बंदा बदमाश है. क्यों, हम अच्छा लोगों को अच्छा है, बदमाश लोगों को बहुत टफली कानून के साथ डील करेंगे. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. ड्रग्स जो भी ड्रग्स भेजने वाला ड्रग्स स्मगलर्स है, ड्रग पेडलर्स है, हमको भी नफरत है, कानून के साथ इनको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट. इसको PS से भी ले जा सकते हैं ड्रग पेडलर्स और ड्रग स्मगलर्स को. और जो भी यह समस्या है हम मिलते रहेंगे, पहला मुलाकात है, हर चीज़ इधर ही बात करने की जरूरत नहीं. मैं बोला ना मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला है आपके लिए, आप आ जाइए, कुपवाड़ा इतना दूर नहीं, नहीं तो फ़ोन नंबर लीजिए, बात करिए, हम मिलते रहेंगे. मैं वादा कर रहा हूँ मिनिमम 1 महीने में 2 बार मैं एक पब्लिक मीटिंग ऐसे रखता हूँ. आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा फ्राइडे है, इसे जल्दी निकल रहे हम. आपको भी अजुमा के दिन है नमाज पढ़ना. मिलते रहेंगे, ये पहला मुलाकात है, शुरुआत अच्छा है, अच्छा हुआ. इतना बड़ी बात है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इतना प्यार कहीं नहीं देखा. जो आज लोग इतना बुखेज है मैं लाइफ में कभी नहीं देखा. यही दिखाते हैं पुलिस कितना सेवा किया लोगों को और लोग कितना प्यार दे रहे, यही दिखाते. और आप बताइए अभी आप कोई बात करें तो बात करिए, मैं जवाब दे दूंगा. बताए कोई बात करना है तो, कोई समस्या है तो 5-10 मिनट अब बात करें. कोई माइक दीजिए, दीजिए माइक दीजिए.